कोई बाहर है जो नहीं आ पा रहे, वो कह रहे थे कि हम दिल्ली बैठे हैं लेकिन हमारे साथ को भेजेंगे। तो आज गर्ल्स यहाँ पर अभी दो ही है, तो आप मेरी उम्मीद है और भी आ रही है। कोई रितु शर्मा करके कल कॉल आया था मेरे पास कि हम 5 से 6 गर्ल्स हम आएंगे, थोड़ा आने में टाइम लग जाएगा लेकिन हम आएंगे। तो अभी अपने गर्ल्स का भी संख्या बल बढ़ जाएगा और मजा आ रहा है आज देख करके। होंगे 29 जनवरी को, उसका परिणाम क्या हुआ था कि नोटिस आया था कि इतने दिन में अपना रिजल्ट आना है, और उसके अलावा उसमें कंबाइंड थे पशुधन सहायक और वो 3 रिजल्ट आए थे पीटीआई एलएसए, और उसके थोड़े दिनों बाद टैक्स असिस्टेंट का भी आ गया था, उस समय 3 परिणाम आए थे बोर्ड के। तो संख्या बल का तो बहुत प्रभाव पड़ता है, हमेशा से रहा है संख्या बल, जहां दिखी है लगता है कि हाँ यार बहुत लोगों की इसकी जरूरत है, बहुत बड़े बड़े संख्या बल का ये मुद्दा है तो उसको ध्यान में लिया जाता है। फिर उसके बाद दूसरी बार अपन 20 जून को, ये भाई भी था 20 जून को भी अच्छी संख्या थी, रोड जाम भी कर दिया था मैंने, कुछ एक को हटाया भी था कि भाई रोड जाम मत करो क्योंकि अपने ऊपर मुकदमा हो जाएगा। तो वहां बैठे रहे, बोर्ड का गेट बंद कर दिया, बोर्ड का गेट बंद करके बैठे रहे, तो उनको आखिर में यही कहा था कि सरकार से जितनी जल्द ये आरक्षण की स्थिति क्लियर होती है हम टाइपिंग करवा लेंगे। और ये टाइपिंग का मुद्दा है, कई नेताओं के बयान भी इस पे आपके एलडीसी पे इस्ते है। साहब मैं क्लियर कर दूं, पूरा मैटर हमारी टीम को पूरा मैटर जानकारी में क्या है और क्या नहीं है। स्टे खाली ज्वाइनिंग पे है, स्टे मतलब उसको होल्ड रखना है, ज्वाइनिंग दे नहीं सकते, बाकी पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, एक गुना तक का भी परिणाम जारी कर सकते हैं। और कई भाइयों के धमकी भरी जो ऑडियो आते हैं ना, मैं वैकेंसी को पूरा नहीं होने देता हूं, उनको हमारा ओपन चैलेंज था 20 जून को, और ओपन चैलेंज है मैं टाइपिंग पूरी करवा के रहूंगा, ये पर्सनली ले लिया, हालांकि सभी का मामला है लेकिन मैंने उस समय पर्सनली कहा था टाइपिंग से हो गया थोड़े बहुत, तो देखो टेंशन फ्री हो गया, आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उस समय रहता था यार मेरे को 4 घंटे 6 घंटे टाइपिंग करनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड कहीं कम नहीं हो जाए, एफिशिएंसी के जहां थे उसके अलावा भी कहीं से इक्वेशन के जो भी क्वेश्चन मिलते थे आप सब उनको करने की कोशिश करते थे भाई कहीं कोई मैटर नहीं छूट जाए। तो अभी दिमाग में कोई नहीं है, अभी तो एक ही टारगेट है अपना रिजल्ट आ जाए, एक बार कट ऑफ का आइडिया लग जाए। देखो ज्वाइनिंग का प्रोसेस धीरे धीरे होगा, एक बार डेढ़ गुना का रिजल्ट आकर के डीवी हो जाए, डेढ़ गुना का रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद डिमांड है 1 महीने के अंदर डीवी का प्रोसेस, वेरिफिकेशन और किसी कारणों से एब्सेंट रहता है तो री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये होकर के जब डेढ़ गुना का रिजल्ट आएगा उसी समय अपने को आइडिया लग जाएगा कि 1 गुना की कट ऑफ क्या जाने वाली है। हालांकि भर्ती में ऐसा है जो डेढ़ गुना में आएंगे वो सारे नौकरी लगने वाले हैं, कारण तो मैंने कई बार यूट्यूब के माध्यम से आपको बता दिया, इस भर्ती में डेढ़ गुना में आएंगे वो सारे नौकरी लगने वाले हैं, बस यही है 1 गुना को जल्दी पोस्टिंग मिल जाएगी, बच्चे में आधे गुना को